पाहूयात सविस्तर बातमीपत्र. धुळ्यातील जाफर शेख कादर यांनी सोमवारी जळगाव शहरातील सहसंचालक उच्च शिक्षण या कार्यालयासमोर आपल्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण केले. पाहूया याविषयी सविस्तर वृत्त. जाफर शेख कादर यांचे वडील अब्दुल कादर शेख छोटू हे पी आर घोगरे महाविद्यालय धुळे येथे सफाई कर्मचारी म्हणून नोकरीस होते. त्यांचे वडील दिनांक 31/1/2004 रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असल्यामुळे दिनांक 10/2/2003 रोजी त्यांचे वडिलांच्या जागेवर नोकरीमध्ये सामावून घेण्याबाबत सदर संस्थेकडे लेखी अर्ज दिला होता. त्यानंतर स्थानिक संस्थेने दिनांक 2/2/2004 रोजी सफाई कर्मचारी म्हणून त्यांना कामावर घेतले. तेव्हापासून ते सन 2012 सदर संस्थेमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून रुजू होते. परंतु त्यानंतर कोणत्याही संयुक्तिक कारण नसताना सदर संस्थेने दिनांक 15/10/2012 रोजी त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा नोटीस न देता कामावरून अचानक कमी केल्याने सध्या त्यांना नोकरी नाही व कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे संस्थेने केलेल्या अन्यायामुळे त्यांच्यावर व त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आल्याने ते कुटुंबासमवेत जळगाव शहरातील सहसंचालक उच्च शिक्षण या कार्यालयासमोर उपोषणाला सोमवारपासून बसलेले आहे. पिताजी की रिक्त जगह के ऊपर सफाई कर्मचारी सिपाही मनो 2004 पास से तो 2012 तक लगातार कंटिन्यू सेवा में था मैं. लेकिन संस्थे ने 2010 के अंदर 2010 में बेकायदेशीर भर्ती किया है ये मेरा कहना. और संस्थे ने मुझे कायम नहीं किया और एक जो मेरी मांग है जैसा मुझे कायम करना चाहिए था वेड़े मैंने उनको अर्ज वगैरह भी किया है लेकिन उसके बावजूद मेरे को कायम नहीं किया. 2012 में मैंने उनके खिलाफ केस दाखिल किया माननीय कामगार न्यायालय में. माननीय कामगार न्यायालय में केस दाखिल करने के बाद में 52 के बाद में मेरा तरफ से निकाल लगा है. और निकाल लेके जब मैं संस्था के अध्यक्ष को मिला तो संस्था के अध्यक्ष का कहना ऐसा पड़ा कि भाई ये निकाल हम मानते नहीं और हम 25 केस चलाएंगे. तुमको लड़ना है तुम कोर्ट के हिसाब से लड़ो लड़ते रहो. हमारे मन में है हम जिसको देना चाहेंगे और जिसको नहीं देना चाहेंगे ये हमारे मन पर है ऐसा अध्यक्ष का कहना था. उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये अध्यक्ष का कहना ऐसा पड़ रहा तो मैं कोर्ट में नहीं गया ना उनके खिलाफ कोई याचिका दाखिल करा ना उनका कोर्ट का जो अपमान किया उन्होंने उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं बोला और गया भी. 85 के बाद में उन्होंने रिवीजन दाखिल किया कि हमको निकाल मान्य नहीं है और वो उसके लिए उनके पुरावे के लिए कोर्ट के अंदर अब तक के केस पेंडिंग है. और उन्होंने 2018 के अंदर बेकायदेशीर बने 3 लोगों को मान्यता दिया है और ये मुझे मेरा कहना ऐसा है कि ये मान्यता बिल्कुल बेकायदेशीर है. मैं एकदम बिल्कुल भुखमरी का ये हो गया है. मेरे को सब मेरे बच्चों की सब जिम्मेदारी है. बच्चों का शिक्षण भी रुक गया है. ये बच्ची का शिक्षण रुक गया है. ये भाई का भी जो कुछ भी है सब देख ले आपके सामने है. तो इस तरह से मेरा मानना है घर तो तक मेरे को गिरवी रख के मेरे बच्चों को साझा करना पड़े तो आप इसका सब देख के यानी ये शासन को बात पहुँचना चाहिए और मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए.